हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा और आज भी मैं आपसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ जो मेरे खुद के व्यूज़ हैं। और उसके लिए देखिए, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि ये मेरी खुद के व्यूज़ हैं तो ऐसे अदरवाइज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, अगर किसी को बातें अच्छी भी नहीं लगती है तो प्लीज़ मत देखिए, लेकिन प्लीज़ नेगेटिविटी मत फैलाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे रह गए हैं जो पॉजिटिविटी फैलाने के लिए इतना दिल से सोचते हैं। और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, या बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं उनमें से एक हूँ। मैं उन तमाम लोगों के लिए वीडियो बनाना चाहती हूँ, या उन लोगों के लिए ये एक मैसेज देना चाहती हूँ अपने वीडियो के जरिए कि आप कमज़ोर नहीं हैं, आपके बस सोचने का तरीका गलत है। उसको सही करना है, उसको सही करते ही आप कैसे सही हो जाएंगे। तो मेरा आज का वीडियो ही ये है, आपकी जो सोच है, आपकी थॉट्स है, वो ही आपका नेचर क्रिएट करती है। देखिए, एक नेचर जिसमें हम रह रहे हैं ना, प्रकृति जिसे हम बोलते हैं, प्रकृति की ईश्वर ने हमें पेड़ पौधे नदियाँ सब कुछ दिया है। उस प्रकृति में हर एक चीज़ व्यवस्थित है, हर एक चीज़ करके दे। देखिए, आप ध्यान से देखिए, सूर्य नहीं होता तो हमें रोशनी कैसे मिलती, धूप कैसे मिलती, चंद्रमा नहीं होता हमें चांदनी कैसे देखने को मिलती, मतलब हमें दिन और रात का कैसे पता चलता। ऐसे अगर नदियां नहीं होती तो हमें कैसे पता चलता हमारी धरती पे इतना जल है और वो किस तरह से फ्लो कर रहा है, हमारी वातावरण को कितना सुंदर बना रहा है। पुराने जमाने में कोई नल ये सब थोड़ी ना होते थे, लोग नदियों से ही पानी लेते थे। पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, मतलब हर एक चीज का कितना नियंत्रित व्यवस्था है नेचर की। एक नेचर जो ईश्वर ने हमें दी है, हमें एक ये मानव रूपी शरीर देकर हमें हर एक चीज बड़ी व्यवस्थित रूप से दी है। हमें दो हाथ दिए हैं, दो आंखें दी हैं, दो कान दिए हैं, दो पैर दिए हैं, है ना। हर चीज का बैलेंस्ड है, मतलब हम नाक से सांस लेते हैं, आंखों से हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं। ऐसे ही उन सब को व्यवस्थित करने के लिए, उनको सही उपयोग करने के लिए ईश्वर ने हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट दिया है, दिमाग, या आप कह सकते हैं बुद्धि। उस बुद्धि को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे नहीं कर पाते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है किसी को बस ऐसे लगे बातें, लेकिन ये मैं खुद से रियलाइज करती हूँ इसीलिए बता रही। आप अगर एक थॉट ये जनरेट करते हैं, ये मुझसे होगा ही नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकता, तो आप यकीन मानिए वो चीज़ आपकी यूनिवर्स में जाती है और यूनिवर्स से आपको रिफ्लेक्शन में ये चीज़ मिलती है, हाँ तुम नहीं कर पाओगे। मैं गंदी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत गुस्सा है मेरे अंदर, मैं किसी को खुशी नहीं दे सकती, तो ये थॉट्स ही हैं आपका नेचर बना देगी, आपको डेफिनेटली वो गुस्से वाला बना देगी, चाहे वो आपका संस्कार हो या ना हो। संस्कारों की बात मैं किसी और वीडियो में करूंगी कि हर तरह का एक संस्कार होता है, लेकिन इस वीडियो में मैं बोलना चाहूंगी, आपकी एक थॉट आपका नेचर बना देती है। अगर आपने किसी के सामने ये शब्द बोले कि मैं तो उसकी जान ले लूंगा अगर उसने मेरे साथ बुरा किया, आप ये सोचिए आपके चेहरे पे वो गुस्सा देखकर, या वो जो शब्द चले गए हैं उससे, वो जो आसपास के लोग होंगे ना, और सच में उसके साथ कुछ हो जाए ऐसा इंसिडेंट, तो सीधा शक आप पे जाएगा। वो तो चलिए दूसरों की बात कर रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मतलब हम इंडिविजुअली अपने आप कैसे जाते हैं। अगर हम सच में अपने दिमाग में ये बैठा लेते हैं कि हमें बहुत बुरी बुरे लोग हैं, हम बहुत बुरे आत्मा हैं, तो हम सच में ही वैसे हो जाते हैं। अगर हम नेगेटिव सोच को इतना ऊपर उठा रहे हैं तो अपनी आत्मा की शक्ति को हम कैसे पहचानेंगे, अपनी आत्मा की पार को हम कैसे पहचानेंगे दोस्तों, उसको पहचानना जरूरी है। शरीर की पार तो आप किसी को, हाँ, अपने हाथों से अगर आपने किसी को धक्का दे दिया या आपने अपने आप को बचा लिया तो आपको फील हो जाएगी, आप कितनी डिस्टेंस तक चल के आ रहे हैं उससे आपके पैरों की पार फील हो जाएगी।
सब कुछ आप वैसे फील कर सकते हैं, लेकिन अपने थॉट्स को कैसे फील करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इसका सिंपल सा इलाज है, जैसे नेगेटिव थॉट्स को लाने का अपने दिमाग में कोई टैक्स नहीं पे करना होता, ऐसी आपको पॉजिटिव थॉट्स के लिए भी कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा है। आप जब एक पल में नेगेटिव सोच लेते हैं, दूसरे पल पॉजिटिव भी सोच सकते हैं। आप अपना नेचर खराब मत बनाइए। किसी का अगर आपको लगता है किसी का कोई आपके सामने गुस्सा कर रहा है या आपको कर रहा है, आप उल्टे ऑब्वियसली वहां पे उल्टा जवाब देने का मन आता है कि कोई हम पे चिल्ला रहा है, तो एक बार शांत होके तो देखिए, एक बार शांति से उसकी बात को सुन लीजिए। क्या पता उसका उसकी भी वो चीज सही हो जाए। मेरे अंदर भी बचपन से ये नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा थी कि मैं बहुत बुरी हूं, मैं ये हूं। अपने थॉट्स का ओरिजिन चेंज कीजिए। अगर आप खुद को ब्लेस्ड फील नहीं करेंगे, खुद को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो कैसे काम चलेगा? जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे, ये बहुत सत्य बात है। जैसा हम सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। आप एक रात सोचिए, एक सोचना शुरू कीजिए, मेरे पास एक बहुत बड़ा बंगला होगा, मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी होगी, मेरे यहाँ नौकर चाकर है ना, ये मैंने आम बात करी है जो इंसान आजकल एक्सपेक्ट करता है। तो उससे क्या होगा, आपके चेहरे पर ऑटोमेटिकली खुशी, आपके अंदर से अच्छा ऐसा हो जाए तो कैसा होगा? लेकिन आप, मैं तो यार मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, मैं तो एकदम घटिया हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूं लाइफ में, एक प्रॉब्लम आई और आप टूट के जमीन पे। इस प्रॉब्लम ने तो मुझे ऐसा तोड़ा है मैं कभी उठ नहीं सकता, मैं एकदम टूट गया हूं, मैं एकदम बिखर गया हूँ, लाइफ में कुछ नहीं बचा है। तो आपकी नेचर ऐसी ही हो जाएगी, बेचारापन, जो आप अपने आप पे तरस खा रहे हैं। ये एक ऐसा पॉइजन है ना, सेल्फ पिटी। मैं कभी करूँगी इस पे भी वीडियो, कि खुद पे जो हम तरस खा के अपने आप को ऐसा कमजोर, ऐसा वीक बना लेते हैं जिसके बाद ऊपर हम उठ ही नहीं सकते हैं। अपने यकीन मानिए, अपने थॉट्स को चेंज करिए, अपना भाग्य चेंज कर सकते हैं आप। नेचर की बात तो छोटी सी है, लेकिन पहले अपनी नेचर को चेंज कीजिए। कोई आपसे मिले तो खुश होके कहे कि यार उस इंसान से मिलकर बड़ी खुशी हुई थी, उस इंसान से बात करके बहुत अच्छा लगा था। ऐसे बनिए। अपने फालतू की चीज़ों में दिमाग मत लगाइए। अगर किसी ने आपको गलत बोला भी तो उसकी नज़रों में हो सकता है ना, उसकी नज़रें आपको उस एंगल से देख रही हैं, बट आप अपनी नजरों में क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी नजरों में ऊपर उठिए, दुनिया की नजरें खुद आपके ऊपर होंगी। जहां आप एक बार आपको अपने को गिराते हैं ना, तो दुनिया 100 बार आपको नीचे गिरा देगी। और आपकी 100 लोग आपके अगेंस्ट हों, आप कॉन्फिडेंटली तब भी बोलें मैं हारा नहीं हूं, मैं इस चीज से बाहर आऊंगा या इस चीज से बाहर आऊंगी, मैं अपनी प्रॉब्लम से फाइट करूंगी, बिना किसी पे गुस्सा करे, बिना इस प्रॉब्लम से डरे, तो वही आपका नेचर बन जाता है। सब आपको बोलेंगे कितनी हिम्मत वाली लड़की, कितना हिम्मत वाला इंसान है ये। तो हिम्मत से जहां जीता जा सकता है दोस्तों, अपनी नेचर को खराब मत कीजिए। प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहेंगी, लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है। सब चीज़ों का एक थोड़ा टाइम होता है, ये टाइम थोड़ा बेकार है, ये थोड़ा अप डाउन्स चलते रहते हैं, उनसे टूटिए मत। अपने डाउन्स को अप बनाने में लग जाइए। और प्लीज़ अपने थॉट्स का ओरिजिन चेंज कीजिए, खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। खुद को पहचानिए, खुद को प्यार कीजिए, खुद को अप्रिशिएट कीजिए। कोई बात नहीं, गलती हो गई तो इंसानों से ही गलती होती है ना, उस गलती को हम सुधार लेंगे, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी ना हम गंदे इंसान हो गए, हम नाकामयाब हो गए, हम किसी के लायक नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते। अपनी प्लीज़ अपनी एनर्जी को पहचानिए। आपकी आत्मा में बहुत शक्ति है, उस आत्मा की एनर्जी को डाउन मत करिए, बढ़ाइए। और कैसे बढ़ाते हैं अपनी आत्मा की शक्ति, वो भी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो आप मुझे देखते जाइए, होपफुली आपकी को मेरी बातें समझ आई हों, और समझ आई हैं तो प्लीज़ आप अपने आप इस इनको शेयर करिए और अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। मैंने चेंज किया है तो मैं चाहती हूँ आपके साथ भी अच्छा हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।